भारत और अमेरिका की दोस्ती अब नए आयाम छू रही है। भारत अमेरिका से नौसेना के लिए F-18 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। भारत और अमेरिका अपनी दोस्ती की नित नई कहानी लिख रहे हैं और इस दोस्ती से ड्रैगन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के सीने की हूक बनती जा रही है। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से इंडियन नेवी F-18 नेवी लड़ाकू जेट खरीदने वाली है। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में राफेल के शामिल हो जाने के बाद अब बारी है भारतीय नौसेना की। अब नौसेना को F-18 फाइटर जेट और मजबूत करेगा। दिल्ली में 2+2 की बैठक के दौरान दोनों देशों के डिफेंस डेलीगेशन के बीच बैठक में F-18 नेवी लड़ाकू जेट देने की पेशकश की गई थी। सूत्रों का कहना है कि भारतीय नौसेना अपने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से F-18 नेवी लड़ाकू जेट को देख रही है। कहा जा रहा है कि नौसेना के ज्यादातर लड़ाकू विमान इस दशक के अंत तक पुराने पड़ जाएंगे, जिसे देखते हुए नए तरीके से लड़ाकू विमानों को जुटाने की कोशिश हो रही है और इसलिए इंडियन नेवी ने 57 लड़ाकू विमान खरीदे जाने की जरूरत बताई है। F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो ये लड़ाकू विमानों का उन्नत संस्करण है। राफेल और F-18 दोनों फाइटर ने INS विक्रमादित्य से उड़ान भरने और उस पर लैंडिंग कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन किया। रक्षा उपकरणों के इन सौदे से चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जलन और दिक्कत है, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत अब पाकिस्तान और ड्रैगन दोनों को फूटे आंख नहीं सुहा रही। ड्रैगन तो अब इस बात से भी घबरा रहा है कि भारत की मजबूत होती नेवी ड्रैगन को डुबा कर मारेगी और समंदर की सीमा में घुसने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर से भारत कई देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी कर रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास भी चीन की चिंता का सबब बना हुआ है। ऊपर से भारत की F-18 खरीदने की खबर तो समझिए कि बीजिंग में मातम पसरने जैसा है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।